नमस्कार, स्वागत करते हैं बर्फ की नगरी सोनामर्ग कश्मीर में। साढ़े 300 किलोमीटर दूर लेह लद्दाख का भी रास्ता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम गर्मी में जाएंगे। ठीक, इस बर्फ के टुकड़े को देख के क्या कहोगे, हम अभी खाएंगे नहीं उसे, बहुत गंदी बर्फ है। ज़्यादा बर्फ सामने देखी अभी तक, यूट्यूब पे ही देखी, मूवीज में देखी, पर आज हमारे सामने सोनमर्ग का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हाल है। टेम्परेचर -8 जा चुका है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 8:44 और सब कुछ बंद हो चुका है। ये हमारी छोटी वाली गैस है, इसमें मैगी बना रहा है, चाय भी बना रहा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, यानी एक कपकपी जगह पे, जहाँ पे हमारा होने वाला है हाल बेहाल, और हर जगह है बर्फ बर्फ। अब हम आज जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, ये तो कल का दिन ही बताएगा आने वाला। और आज की रात हर जगह बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही होगी, और आज हम भी बर्फ बनने वाले हैं। तो भैया नमस्कार, स्वागत करते हैं बर्फ की नगरी सोनामर्ग कश्मीर में। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है वो -4 है। हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हाथ छोड़ो हमारा मुंह काम नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पे कहाँ पे रुकेंगे वही पता नहीं, क्या करेंगे वही पता नहीं, जिंदा रहेंगे कोई पता नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल अभी पता किया तो पता चला मेरे ही जैसे एक भाई यूट्यूबर को जिंदा भालू खा गया, और हो सकता है हम ही उसका अगला शिकार। पिछले हफ्ते खाया, अभी पता है पिछले हफ्ते खाया है, पर इस हफ्ते हम उसका भोजन बनने वाले हैं। एक इंसान एक हफ्ते चल सकता है। हाँ, उसके पेट में। तो देखो क्या करते हैं। वैसे तो यार खाली अंदर चुल्ल मची थी ना, बर्फ बर्फ बर्फ, आ गए बर्फ में, हाथ काम नहीं कर रहा है। फिलहाल आ गए हैं तो अब आपको दिखाई दे, अब देखो क्या होता है ये हमें नहीं पता, लिखना एंजॉय करिए, बहुत मजा आ रही है। वाह 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 वाह। हाँ, और आपको बता देता हूँ कि यहीं से 350 किलोमीटर दूर लेह लद्दाख का भी रास्ता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम गर्मी में जाएंगे। ठीक। हाँ, ये इस वक्त इतना ज़्यादा ठंडा है कि आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन हम भरोसा दिला के पता कैसे रहेंगे। ये देखो आप इस चीज़ को देख के क्या कहोगे, इस बर्फ़ के टुकड़े को देख के क्या कहोगे, हम अभी खाएंगे नहीं उसे, बहुत गंदी बर्फ़ है, लेकिन भाई बहुत ठंडा है। और ये रास्ता देखो, ये पूरा रास्ता ऊपर देखिए सुनहरी धूप, और नीचे देखिए दूध सी बर्फ़। और इस बर्फ़ पे चलना तो अच्छा है, लेकिन अंदर जो हाल हो रहा है ना वो बेहाल हो रहा है, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रही है। अब रुकने के लिए देखते हैं कहाँ कैंप लगाते हैं, या फिर कहाँ पर रुकने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ है भालू अंकल जो आपको खा सकते हैं। ठीक है, वैसे पहला एक्सपीरियंस लाइफ का, इतनी ज़्यादा बर्फ़ सामने देखी अभी तक, यूट्यूब पे ही देखी, मूवीज़ में देखी, पर आज हमारे सामने ये बर्फ़ और ये बर्फ़ की वादियाँ आप भी देखिए। हाँ, सुंदर सुंदर सी वादियाँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरा बर्फ़ में पैर चला जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रखना पड़ेगा। अगर हम धोखे से वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो हम शायद पूरा चले जाएंगे। ये देखिए पूरा पैर चला जा रहा है। हाँ, तो हमको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ के जो घोड़े हैं वो एकदम माहिर हैं ऐसा लग रहा है। ये देखो तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये संभाल के रखना पड़ेगा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा अंदर जा रहा है, और ये आ रही है, आपको किसको किसको बर्फ़ खानी बताइए। हाँ, बहुत तगड़ी बर्फ़ है। अब कहाँ रुकने का है कुछ पता नहीं,
हम लोग भी पता नहीं कहाँ सुनसान इलाके में चलते चले जा रहे हैं। ये देखिए बहुत बुरी तरह फंसे हैं, अभी तक हमारे रुकने का कोई जुगाड़ नहीं हुआ और टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है, माइनस में -6 या 7 है और हालत और बद से बदतर होती जा रही है। और अभी एक पुलिस वाले सर थे, उनसे बात करी तो रात का, कल का रात का टेम्परेचर -15 गया था और यहाँ भालू भी है, किसी किसने जान ले ली जैसा कि मैंने बताया। है तो वैसे जन्नत लेकिन किसी कब्रगाह से कम भी नहीं है। अगर बच गया तो कल फिर मिलूँगा आपसे। तो इस वक्त सोनमर्ग का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हाल है, टेम्परेचर -8 जा चुका है लगभग, और हमारी हालत खस्ता होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रहने को ना कोई ठिकाना है, कुछ भी नहीं है और टेम्परेचर रात में जाएगा -15 के करीब करीब। तो हो सकता है आपके भाई का ये लास्ट व्लॉग हो सकता है या कल आपका भाई अकड़ा हुआ ऐसे मिल सकता है। तो कभी आए तो हम अगर अकड़े में मिले तो समझ जाना हम ही है। और कब हाँ कहाँ रुकेंगे, कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे कुछ पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। देखो और सामने आप व्यू देख रहे हैं उस पहाड़ का, वहाँ उजाला हल्का हल्का आ रहा है और ये इधर पास में है नदी कोई बह रही है और ये पूरा है बर्फ़ ही बर्फ, बर्फ़ ही बर्फ़ की चादरें। और इन चादरों में आज हम अपने आप को बचा पाए तो ठीक, नहीं तो गए। देखते हैं क्या होता है यार, ये रात कैसे कटती है। अभी तक की सबसे टफ रात ये है हमारी, अभी तक हमको कोई शेल्टर नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन गए थे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, आर्मी कैंप गए वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या होगा, हमारा कुछ पता नहीं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रही होगी, हमारी मज़ा तो सजा हो रही है, पर कोई नहीं यार, जिंदा रहे तो ज़रूर मिलेंगे। हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी ज़्यादा यहाँ दिक्कत है, गेट बंद कर दो, कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि भैया आखिरकार हमको रहने के लिए जगह मिल गई इतनी ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद। हमें तो नहीं लगा था कि आज हम जिंदा रह पाएंगे, इसलिए है क्योंकि मेरे पीछे बर्फ। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये वो बर्फ़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हाँ कोई लोकल बर्फ़ लगा के कोई आके ले चला गया है, आपको स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है। भाई स्विट्जरलैंड नहीं है भैया, ये आपका सोनमर्ग कश्मीर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में है। बस मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और मेरी जो जैकेट है वो भी ख़राब हो चुकी है, मतलब जैकेट नहीं, इसकी चैन ख़राब हो गई, तो जैकेट की चैन ख़राब हो जाएगी तो मतलब जैकेट ही ख़राब हो गई और हम ख़राब हो गए। फिलहाल बर्फ काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ख़राब भी लग रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो क्या करें, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा, बट फिलहाल हम आज जिंदा बच जाएंगे। और ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हो पाएगा। वैसे यार काफ़ी मज़ा आ रही है ऐसी जगह पे आने के बाद, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाइफ के हर एक पल को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि लाइफ है तो जीनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, डेयरिंग करनी चाहिए। अगर लाइफ में रिस्क और डेयरिंग नहीं किया तो क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया। और इतनी ठंड में भी मुस्कुराते रहना अलग ही बात है। तो ये बर्फ़ आप देख सकते हैं, तो खेलने में तो काफ़ी मज़ा आ रही है, हाथ की हवा टाइट हो रही है, वो तो बाद में पता चलेगा वीडियो ऑफ होने के बाद, पर कोई बात नहीं, मज़ा है। ये पता नहीं किसका काम है, किसका काम है। आइसक्रीम खानी है ये आधा खा सकता है, खाना चाहेंगे सद्धे को? रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बाकी सब कुछ यहाँ बंद हो गया है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हुआ है आपका 7:44 और सब कुछ बंद हो चुका है। मैंने सोचा था कुछ ले लेंगे, ये होटल्स हैं,
यही खुले हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलता है अंदर सीधा। अब ये देखिए इस तरीके का, और भी बेथा। हम लोग उस तरफ से आए हुए थे अंदर और ये इस तरफ से है, और सबसे बड़ी बात है ना थोड़ा संभल के, क्योंकि बर्फ़ फिसल भी सकती है, रपटीली है ना, इसलिए ये दिक्कत है। और इसको देखिए, ये तो यहीं के लिए बना है ऐसा लग रहा, एकदम मज़े से घूम रहा है। हाँ देख लीजिए मज़ेदार। ये है वो होटल जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और यहाँ आपको खूब सारी बर्फ़ दिखेगी, तो आपको हम लेके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं धीरे धीरे हर एक चीज़। तो ये है आपका एंट्री गेट और ये है आपका वेटिंग एरिया। यहाँ पर आइए, अपनी बारी का इंतज़ार करिए, और यहाँ पे है रिसेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पुराने पुराने ज़माने के कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, ये देखिए शिकारी, ये शिकारी हुआ करते थे। और ये रिसेप्शन है आपका, और हम अपने रूम पे भी आपको लेके चलते हैं। इस वक्त यहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, मेरी छत गिर गई, बहुत ज़्यादा है ठंड। ये है हमारा रूम जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये रहा वो वॉशरूम, और ये जो पानी है वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि एक भी सेकंड अगर हमने पानी को बंद किया तो ये जाम हो जाएगा, फिर इस कमरे में पानी नहीं आएगा, बर्फ़ ही बर्फ़ आएगी। और ये रहा आपका हमारा रूम जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं, इस तरीके से ही कुछ है। उम्मीद करते हैं आपको ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दे रखा है ब्लैंकेट के अंदर गर्म करने वाला हिसाब किताब, जिससे हमारा टेम्परेचर, उस कमरे का टेम्परेचर सब गर्म रहने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा रूम? हाँ पहचाना हमको? हाँ हमने तो आपको पहचान लिया, और हम आपको इस पहचान के करीब लेके जाते हैं। और हम बना रहे हैं इस वक्त मैगी होटल के अंदर हम। हाँ देखो ये हमारी छोटी वाली गैस है, इसमें मैगी बना रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, चाय नहीं असल में कॉफ़ी बना रहे हैं। दिखा दे, ये देखो तड़कती भड़कती मैगी हमारी ज़बरदस्त है, ट्रेवलर्स की मैगी ऐसी होती है भैया। बहुत गंदा टेम्परेचर है, -15 पहुंच गया है, और इसमें हम बनाने जा रहे हैं अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी और मैगी चलेगी, और बिस्किट नमकीन, खाने और कुछ है नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूँ बहुत कॉस्टली है, 20 रुपये की एक रोटी मिलेगी, और अगर आप राजमा लेते हो तो 120 या 150 रुपये का, थोड़ा सा पेट नहीं भरने वाला। तो हमने सोचा कि हमारे बैग में पड़ी हुई है 4 मैगी, तो चुपचाप बना के खा लेते हैं, बताना नहीं किसी को।